हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तपस्वी आईएएस। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्मॉग के बारे में। स्मॉग क्या होता है, किस किस टाइप के स्मॉग होते हैं, ओके, इनको उसके जनरेट होने का रीजन क्या होता है। इस वीडियो में हम सल्फ्यूरस स्मॉग और फोटोकेमिकल स्मॉग के बारे में भी जानेंगे। पहले मैं आपको बता दूं, 13 मई से हम अपना वीडियो लेक्चर कोर्स लॉन्च कर चुके हैं और इस वीडियो लेक्चर कोर्स में आपको 8 सब्जेक्ट के वीडियोज प्रोवाइड किए जाएंगे। और इस वीडियो लेक्चर कोर्स को पाने के लिए आप अपनी डिटेल्स info@upscisexams.com में सेंड कर सकते हैं और ये वीडियो लेक्चर कोर्स आपको 4,999 रुपीज में प्रोवाइड किया जा रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्मॉग क्या होता है? देखिए, नाम से क्लियर हो रहा है स्मॉग दो वर्ड से मिलकर के बना है, स्मोक और फॉग। ओके, सो स्मॉग और फॉग मिलकर के बनता है स्मॉग। ये एक तरह का एयर पॉल्यूटेंट है। ओके, इसमें क्या होता है, जनरली एक हेजी एयर, एयर मतलब कि एक विजिबिलिटी कम हो जाना। ओके, तो एक हेजी एयर प्रोड्यूस होती है, दैट मेक्स ब्रीदिंग डिफिकल्ट। देखिए, पॉल्यूशन हो रहा है, दैट मीन्स ब्रीदिंग ऑब्वियसली डिफिकल्ट हो जाएगी और हार्मफुल होता है ये ह्यूमन बींग्स के लिए, क्योंकि पॉल्यूटेंट है इसमें। एंड अगर हम ओरिजिनली इसकी बात करें तो ओरिजिनली दिस वर्ड इज यूज इन द कंटेक्स्ट ऑफ ब्रिटिश सिटीज। 19th और 20th सेंचुरीज में जो ब्रिटिश सिटीज में पॉल्यूशन हुआ था, उसके कंटेक्स्ट में इस वर्ड का यूज किया जाता है। ठीक है, सो स्मोक कंटेन्स शूट पार्टिकल्स लाइक स्मोक, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड अदर कंपोनेंट्स। अब स्मोक दो तरह का होता है, एक तो ह्यूमन मेड भी होता है यानी कि एंथ्रोपोजेनिक, और सेकंड होता है नेचुरल। तो ह्यूमन मेड, देखिए ह्यूमन मेड जब पॉल्यूशन प्रोड्यूस किया जाएगा, ओके, जब सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी बाय एंथ्रोपोजेनिक मीन्स, जैसे कि कोल एमिशन से, वेहिकुलर एमिशन से, इंडस्ट्रियल एमिशन, फॉरेस्ट एंड एग्रीकल्चरल फायर से, ओके, और इन सभी का जो इसके पॉल्यूटेंट होंगे, प्राइमरी पॉल्यूटेंट, इनका जब फोटोकेमिकल रिएक्शन से सेकेंडरी पॉल्यूटेंट बनेंगे, इन सब से मिलकर के स्मॉग बनता है। ठीक है, लेकिन अगर हम नेचुरल की बात करें तो नेचुरल स्मॉग जब वोल्केनिज्म के थ्रू, हम जानते हैं वोल्केनिज्म के थ्रू पर्टिकुलेट मैटर और सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, और इसके वजह से जो कि मेन दो रीजन हैं, मेन टू कंपोनेंट्स हैं एयर पोल्यूशन के लिए या स्मॉग के लिए, वो जब वोल्केनिज्म से प्रोड्यूस होते हैं उसको हम बोलेंगे नेचुरल स्मॉग। ओके, सो ये अभी हम ह्यूमन मेड स्मॉग के डिस्कशन कर रहे हैं। इसमें देखिए, अगर ओरिजिनली मैंने आपको बताया कि ओरिजिनली दिस वर्ड वॉज यूज इन द कंटेक्स्ट ऑफ ब्रिटिश सिटीज, लेकिन मॉडर्न स्मॉग की अगर हम बात करें तो मॉडर्न स्मॉग ये वर्ड जनरली रेफर किया जाता है फोटोकेमिकल फॉग के लिए। ओके, और फोटोकेमिकल फॉग क्या होता है, व्हेन इंसुलेशन रिएक्ट विद हाइड्रोकार्बन्स एंड नाइट्रिक ऑक्साइड प्रेजेंट इन वेकुलर एमिशन, वो होता है आपका फोटोकेमिकल स्मॉग। ठीक, सो मॉडर्न स्मॉग ये टर्म यूज किया गया था लॉस एंजलिस के रिस्पेक्ट में, और ये इसमें जो पॉल्यूशन होते हैं दे आर डिराइव्ड फ्रॉम वेहिकुलर एमिशन फ्रॉम आईसी इंजन। आईसी इंजन मतलब इंटरनल कंबशन इंजन। ओके, नाउ कम टू दी एटमोस्फेरिक पॉल्यूशन लेवल। देखिए, एटमोस्फेरिक पॉल्यूशन लेवल स्मॉग में बढ़ क्यों जाता है, वो जनरली एक हम जानते हैं इन्वर्जन, हम जानते हैं इन्वर्जन क्या होता है। इन्वर्जन इज अपोजिट टू द इन्वायरमेंट लैप्स रेट। इन्वायरमेंट लैप्स रेट होता है एट एनी पर्टिकुलर प्लेस एंड एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। उस केस में क्या होता है, जब हाइट, जब हम अर्थ के सरफेस से ऊपर की तरफ जाते हैं, ट्रोपोस्फीयर में ऊपर की तरफ जाएंगे, तो क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होता है। ठीक है, ये होता है इन्वायरमेंट लैप्स रेट। लेकिन अगर ये इन्वायरमेंटल लैप्स रेट डिक्रीज होने की बजाय टेम्परेचर बढ़ने लगे, ऊपर जाने पर टेम्परेचर जब बढ़ेगा, ठीक है, जो कि आपका स्ट्रेटोस्फीयर में होता है, अगर ये बढ़ रहा है, उस केस को हम बोलते हैं टेम्परेचर इन्वर्जन। और उस केस में क्या होगा, वो जो बॉडी सरफेस होगी वो एज अ लेट काम करेगी, मतलब उसके नीचे जो कुछ भी होगा वो उसके अंदर कन्फाइंड हो जाएगा। तो एयर पॉल्यूशन लेवल अगर हम देखें तो एयर पॉल्यूशन लेवल इस इन्वर्जन की वजह से पॉल्यूशन उसके अंदर ट्रैप हो जाता है। ओके, और ये पॉल्यूशन ग्राउंड की सरफेस के पास बन जाता है, इसलिए ये ज्यादा हार्मफुल है, इसमें पॉल्यूशन लेवल बढ़ जाएगा। अगर हम दिल्ली की देखिए बात कर रहे हैं, दिल्ली में देखिए क्या होता है, स्मॉग सीवियरिटी इज एग्रेवेटेड बाई स्टबल बर्निंग इन नेबरिंग एग्रीकल्चरल एरियाज। दिल्ली में हम जानते हैं दिल्ली के चारों तरफ मेन क्या है, एग्रीकल्चरल एरियाज हैं, और उस एग्रीकल्चर एरियाज में जब एग्रीकल्चरल वेस्ट को उसको बंद किया जाता है, उससे जो हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स प्रोड्यूस होते हैं, उसकी वजह से
जो वो मेन रीजन है दिल्ली स्मॉग का। ओके नाउ कम टू दी पॉल्यूटेंट। पॉल्यूटेंट देखिए क्या होता है, दो तरह का पॉल्यूटेंट है, एक प्राइमरी पॉल्यूटेंट और दूसरा सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। प्राइमरी पॉल्यूटेंट इज एन एयर पॉल्यूटेंट एमिटेड डायरेक्टली फ्रॉम अ सोर्स, ठीक है, सोर्स से डायरेक्टली प्रोड्यूस होते हैं। और उसके एग्जाम्पल क्या है, पर्टिकुलेट मैटर, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड। ओके एंड सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट इज नॉट डायरेक्टली एमिटेड एज सच बट फॉर्म्स व्हेन अदर पॉल्यूटेंट रिएक्ट इन द एटमॉस्फेयर। ओके और ये जो रिएक्शन होता है वो किससे होता है, इंसोलेशन से होता है, सनरेज से होता है, ठीक है, या अल्ट्रावायलेट रेज से। इसके एग्जाम्पल है फोटोकेमिकल स्मॉग, ओजोन, सल्फर ट्राइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाउ कम्स टू द टाइप्स ऑफ स्मॉग। देयर आर टू डिस्टिंक्ट टाइप्स ऑफ स्मॉग रिकॉग्नाइज्ड आर, सल्फ्यूरस स्मॉग और फोटोकेमिकल स्मॉग। ठीक है, इन दो टाइप के स्मॉग को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, सल्फ्यूरस स्मॉग क्या होता है और फोटोकेमिकल स्मॉग क्या होता है। सो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट सल्फ्यूरस स्मॉग। कोल की बर्निंग की वजह से जो पॉल्यूशन प्रोड्यूस होता है उसका जो पहला केस है वो सबसे पहले इन द मिडल एजेस इंग्लैंड में उसका सबसे पहले रिपोर्ट किया गया था उस तरह का केस, और इंग्लैंड में इसीलिए इसका नाम रखा गया है लंडन स्मॉग। ठीक है, सो सल्फ्यूरस स्मॉग का नाम है, लंडन स्मॉग भी इसको बोलते हैं। ओके इट रिजल्ट्स फ्रॉम ए हाई कंसेंट्रेशन ऑफ सल्फर ऑक्साइड इन द एयर एंड इज कॉज्ड बाय द यूज ऑफ सल्फर बियरिंग फॉसिल फ्यूल्स। ओके और सल्फर बियरिंग फॉसिल फ्यूल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है इसमें, कोल। सो कोल की बर्निंग की वजह से आपका सबसे पहला केस रिपोर्ट किया गया था लंदन में। इस कोस लंदन स्मॉग को हम पी सुपर्स भी बोलते हैं। ओके नाम भी आपको याद रखना है, पी सुपर्स। अब बात करते हैं चाइना की। तो देखिए चाइना में ऑटम और विंटर सीजन में, जानते हैं ऑटम और विंटर सीजन में क्या होगा, उस बिल्डिंग्स को हॉट रखने के लिए, उसको वार्म करने के लिए कोल की फायरिंग की जाती है। ठीक है, और इस कोल की फायरिंग की वजह से स्मोक प्रोड्यूस होता है, और इसकी वजह से जो स्मोक वहां जनरेट होता है वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्मोक होता है कि उसकी वजह से वहां पे रोड्स वगैरह बंद कर दी जाती हैं, स्कूल, एयरपोर्ट, ये सब बंद हो जाते हैं। ठीक है, सो चाइना भी उसका एक एग्जाम्पल है। सो वन प्रोमिनेंट एग्जाम्पल फॉर दिस वॉज चाइनाज नॉर्थ ईस्टर्न सिटी हार्बिन। ठीक है, सो आप हार्बिन सिटी में एक सल्फ्यूरस स्मोक का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है ये। नाउ कम्स टू दी फोटोकेमिकल स्मोक। फोटोकेमिकल स्मॉग, और इसको लॉस एंजलिस स्मॉग भी बोला जाता है। फोटोकेमिकल स्मॉग अकर्स मोस्ट प्रोमिनेंटली इन अर्बन एरियाज दैट हैव लार्ज नंबर ऑफ ऑटोमोबाइल्स। ठीक है, ऑटोमोबाइल्स हम जानते हैं, ऑटोमोबाइल से क्या पॉल्यूशन प्रोड्यूस होता है, उससे नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, और ये नाइट्रोजन ऑक्साइड और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड जब सनलाइट से रिएक्ट करते हैं वो एक ब्राउन कलर का एक हेज प्रोड्यूस कर देते हैं सिटीज के ऊपर। तो जितनी भी इंडस्ट्रियलाइज सिटीज हैं या जितनी भी मेजर सिटीज हैं उनमें जहां ऑटोमोबाइल्स बहुत ज्यादा हैं वहां पर ये सिचुएशन फोटोकेमिकल स्मॉग होना नॉर्मल बात है, जैसे कि एग्जांपल है दिल्ली। ओके सो और मैंने आपको बताया इसमें क्या हो रहा है, सनलाइट से रिएक्शन हो रहा है, नाइट्रोजन ऑक्साइड और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का सनलाइट से रिएक्शन हो रहा है, इसके बाद हीट प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, सो इसलिए इसको समर स्मॉग भी बोला जाता है। सो फोटोकेमिकल स्मॉग फॉर्म्स व्हेन पॉल्यूटेंट्स सच एज नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड रिएक्ट टूगेदर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड अ गैस कॉल्ड ओजोन इज फॉर्म्ड। सो देखिए प्राइमरी पॉल्यूटेंट क्या इसमें हुए, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओके, एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, ये प्राइमरी पॉल्यूटेंट है और सनलाइट की प्रेजेंस में इनका रिएक्शन हो रहा है, और फाइनली क्या, ओजोन प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, ओजोन क्या है, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, और ये चेन रिएक्शन बनता है पूरा। ठीक है, ये चेन रिएक्शन बनने के बाद ओजोन प्रोड्यूस होती है, और डिफरेंट और पॉल्यूटेंट्स भी जैसे कि पीएन भी प्रोड्यूस होता है, वो डिटेल में भी देख रहे हैं क्या है। सो मेनी अदर हैजार्डस सब्सटेंसेस आर ऑल्सो फॉर्म सच एज पेरोक्साइसिटिल नाइट्रेट, जिसको पेन भी बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा, पेन भी प्रोड्यूस बनता है। सो फाइनली हम इक्वेशन को देखें तो क्या हो रहा है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस सनलाइट प्लस हाइड्रोकार्बन्स। ओके, ये तीनों मिलकर के क्या बना रहे हैं, ओजोन बना रहे हैं। हाइड्रोकार्बन्स देखिए वेहिकुलर एमिशन में प्रेजेंट रहता है,
सो ओजोन इन स्ट्रेटोस्फीयर इज बेनिफिशियल। ठीक है, ओजोन का जनरली आप लोग अक्सर सुनते होंगे ओजोन होल हो रहा है, ओजोन डप्लीशन हो रहा है। तो अगर ओजोन डप्लीशन हो रहा है और ओजोन बन रहा है, तो हम इसको निगेटिव क्यों मान रहे हैं? ठीक है, एक तरफ ओजोन डप्लीशन के लिए हम बोलते हैं कि ओजोन डप्लीशन के लिए एक्शन लेना चाहिए, ओके, लेकिन इसमें ओजोन जब फॉर्म हो रही है तो ये हार्मफुल कैसे हुआ? तो जो ओजोन लेयर जिसको जिसकी डप्लीशन की बात होती है, वो ओजोन स्ट्रेटोस्फीयर में वो बेनिफिशियल होती है बिकॉज इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेस। लेकिन ये जो ओजोन है ये यहाँ पर ट्रोपोस्फियर में यानी कि अर्थ सर्फेस के पास वहां पर फॉर्म हो रही है, ओके। और हम जानते हैं ओजोन का क्या प्रॉपर्टी होती है, ये ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस है और ये हीट को कैप्चर कर देती है, इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग की सिचुएशन आती है। सो ये स्मॉग आपका जो है, स्मॉग फाइनली ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। रिजल्टिंग स्मॉग कॉजेस अ लाइट ब्राउनिश कलरेशन ऑफ एटमोस्फियर, रिड्यूस्ड विजिबिलिटी, प्लांट डैमेज एंड इरिटेशन ऑफ द आइस एंड रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, ओके। इसमें देखिए जो चेन रिएक्शन हो रहा है वो देखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में देखिए नाइट्रोजन ऑक्साइड और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनमें रिएक्शन होकर के नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन रहा है, ठीक है। एंड देन फाइनली नाइट्रोजन डाइऑक्साइड अल्ट्रावायलेट रेस से रिएक्ट करती है और वो रिएक्ट होने के बाद एनओ और ओ में, ठीक है, यानी कि ओ सेपरेट हो गया। देखिए नाइट्रिक ऑक्साइड और एटोमिक ऑक्सीजन, और ये एटोमिक ऑक्सीजन एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से मिलकर के बाद में ओजोन के फॉर्म में बनती है, ठीक है। ये चेन रिएक्शन है प्रॉपर, ठीक है, ये चेन के फॉर्म में कन्वर्ट होता है। इसके बाद जो NO2 बना था पहले, ये NO2 वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड से फिर से मिलकर के पैन बनाता है, ओके, पेरोक्सीटिल एसिटिल नाइट्रेट, पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट, ठीक है। सो फाइनली देखिए अगर हम कंक्लूड करें तो क्या बन रहा है, एनओ प्लस VOC प्लस ऑक्सीजन प्लस अल्ट्रावायलेट रेस, ये जो बना रहे हैं ऑक्सीजन पैन एंड अदर ऑक्सीडेंट, ठीक है, और ये सभी हार्मफुल है, ये स्मॉग बनता है। इस फिगर में देखिए आपको और क्लियर समझ में आएगा क्या हो रहा है। सनरेज आई, ये देखिए सनरेज आई, सनरेज ने एनओ टू के साथ रिएक्शन किया, एब्जॉर्प्शन ऑफ सोलर एनर्जी बाई एनओ टू प्रोड्यूसेस एनओ एंड एटोमिक ऑक्सीजन, ये हमने देखा सेकंड इक्वेशन में, ओके। ये एनओ वापस गई और एनओ ने क्या किया, एनओ रिएक्ट्स विद O3 और RO3 टू प्रोड्यूस NO2, ओके। एटॉमिक ऑक्सीजन जो प्रेजेंट थी, ऑक्सीजन से मिलकर के इसने क्या बनाया, ओजोन बनाया, यहां पर O3 बन गया, राइट। ये O3 वापस गई और O3 ने किससे रिएक्ट किया, NO से, और NO2 बना, NO2 बना एंड RO2 बना, NO2 वापस गई और चेन रिएक्शन देखिए बन गया, पूरा चेन कंप्लीट हो रहे हैं, ठीक है। इसके बाद यहां पर आइए देखिए एटॉमिक ऑक्सीजन जो यहां प्रोड्यूस हुई थी, ये आई नीचे HO2 से रिएक्ट करी, ठीक है, एटॉमिक ऑक्सीजन HO2 एंड O3 रिएक्ट्स विद हाइड्रोकार्बन्स टू प्रोड्यूस हाईली रिएक्टिव हाइड्रोकार्बन्स फ्री रेडिकल्स, ठीक है। और ये फ्री रेडिकल्स नीचे आए, हाइड्रोकार्बन्स फ्री रेडिकल्स रिएक्ट फर्दर विद स्पीसी सच एस NO2 टू प्रोड्यूस पैन, ओके। तो यहां पर क्या हो रहा है, पैन बन रहा है, पैन एल्डिहाइड्स एंड अदर स्मॉग कंपोनेंट्स, ठीक है। तो ये पूरा आपको इस इक्वेशन में आप थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आपको लग रहा होगा, इसलिए यहां देखिए यहां पर क्या हो रहा है, सनलाइट आई NO2 से रिएक्ट करी, ओके, NO2 ब्रेक हुआ NO और O में, राइट। ये हो गया, O का रिएक्शन हुआ मॉलिकुलर ऑक्सीजन से O2 से एंड ओजोन बना, ठीक। इसके बाद हाइड्रोकार्बन से रिएक्शन हुआ और क्या बना, पैन एंड एल्डिहाइड। इसके बाद H2O जो हाइड्रोजन है, ये NO से इसका फर्दर रिएक्शन हुआ और क्या बना, HNO3 नाइट्रिक एसिड। सो ये देखिए फाइनली क्या क्या बन रहा है, किस तरह से ओजोन बन रहा है, पैन एल्डिहाइड्स बन रहा है, HNO3 बन रहा है, नाइट्रिक एसिड बन रहा है, राइट। और ये तीनों ही मिलकर के बाद में क्या बनाते हैं, फोटोकेमिकल स्मॉग, ठीक है। अब देखिए NO और NO2 की अगर बात करें तो इट डिक्रीजेस विजिबिलिटी, इनका क्या येलो, NO2 का जो कलर होता है येलोइश कलर होता है, ठीक है। और NO2 कैन सरपास प्लांट ग्रोथ, जो प्लांट की ग्रोथ होते हैं ना उसको अफेक्ट करती है NO2। वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड की अगर बात करें तो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड इनका जो एनवायरमेंटल इफेक्ट होते हैं, आई इरिटेशन,
या रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम जो हो जाती है, ठीक है, ये कार्सिनोजेनिक होते हैं, ठीक है, कैंसर क्रिएटिंग होते हैं ये। इट डिक्रीजेस विजिबिलिटी ड्यू टू ब्लू ब्राउन हेज, इसका जो कलर होता है ब्लू ब्राउन हेज होता है, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड का। ओजोन की, ओजोन में क्या होता है, इट डिक्रीजेस क्रॉप ईड, ओके, एंड रिटार्ड्स प्लांट ग्रोथ, डैमेजेस प्लास्टिक्स, ब्रेक डाउन रबर, ओके। इसी तरह पैन होता है, पैन इट ऑल्सो क्रिएटेड आई इरिटेशन, इट इज हाईली टॉक्सिक टू प्लांट्स एंड डैमेजेस टू प्रोटीन। ये देखिए इसके हार्मफुल इफेक्ट अगर हम चेक करें, स्मॉग क्रिएटेड इरिवर्सिबल डैमेज ऑन द लंग्स एंड हार्ट, ओके, पेनफुल इरिटेशन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, रिड्यूस्ड लंग फंक्शन एंड डिफिकल्ट ब्रीदिंग, अस्थमा अटैक होता है, डिवास्टेटिंग इफेक्ट ऑन एनवायरमेंट। ग्राउंड लेवल ओजोन ऑल्सो कैन इंटरफेयर विद द ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ द ट्रीज, ठीक है। अब देखिए इस जो स्मॉग ओजोन होता है, इट डैमेजेस प्लांट एज वेल एज एनिमल लाइफ, ठीक है। जो प्लांट का जो मेन डैमेज होता है वो किस में, किस पार्ट में होता है प्लांट के, वो लीफ जो पत्तियां होती है ना उसमें, उसमें मेन डैमेज होता है ओजोन की वजह से, ठीक है। नाउ इफेक्ट ऑफ स्मॉग ऑन एनिमल ऑल आर ऑल्सो सिमिलर टू इट्स इफेक्ट ऑन ह्यूमन्स, जो ह्यूमन्स में इफेक्ट हो रहा है सिमिलर इफेक्ट होता है एनिमल्स में। हैवी स्मॉग रिजल्ट इन द डिक्रीज ऑफ नेचुरल विटामिन डी प्रोडक्शन, लीडिंग टू अ राइज ऑफ केस ऑफ डिकेट, ठीक है। इट ऑल्सो करोड्स द हेरिटेज बिल्डिंग सर्फेसिस, ठीक। अब देखिए पैन की अगर हम बात करें, पैन इट डैमेजेस क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, जो लीव्स का जो ग्रीन कलर होता है वो किसकी, क्लोरोप्लास्ट की वजह से होता है, तो उसका ग्रीन कलर वो हटने लगता है, इसका रिस्पॉन्सिबल होता है पैन। इट ऑल्सो अफेक्ट्स फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी एंड ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, ओके, ऑल्सो कॉजेस एक्यूट इरिटेशन ऑफ आईज। अब देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था एंथोपेजेनिक और नेचुरल दो तरह के स्मॉग होते हैं। अब नेचुरल कॉज इसका क्या हो गया, एन इरप्टिंग वोल्केनो कैन ऑल्सो एमिट हाई लेवल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड अलॉन्ग विद अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ पार्टिकुलेट मैटर, टू की कंपोनेंट्स टू द क्रिएशन ऑफ स्मॉग, ओके। सो दो मेन कंपोनेंट क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड और पार्टिकुलेट मैटर। सेकेंड पॉइंट इसका, द स्मॉग क्रिएटेड एज अ रिजल्ट ऑफ वोल्केनिक इरप्शन इज ऑफन नोन एज वॉग। देखिए इसका जो स्पेशल नेम है नेचुरल वाले का, उसको वॉग बोलते हैं, टू डिस्टिंग्विश इट एज अ नेचुरल ऑकरेंस। सो वॉग आपका नेचुरल है बट स्मॉग आपका एंथ्रोपोजेनिक है। सो फ्रेंड दैट इज ऑल अबाउट स्मॉग, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।